हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा अमेजोन हॉल, क्योंकि मैंने आपसे कम्युनिटी टैब पे पूछा था कि मैं आपके साथ पहले क्या शेयर करूँ, अमेजोन शॉपिंग हॉल या फिर तुराब नगर मार्केट से मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैं अमेजोन का हॉल आपके साथ शेयर करूँ, तो आज की वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। बट आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आज की वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सभी के डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिसकी वजह से वॉइस आपको थोड़ी सी अजीब सुनाई दे तो उसे इग्नोर करिएगा। बट ये हॉल मुझे आपके साथ शेयर करना था, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। वैसे एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मैंने इस बार जो अमेजोन से मतलब जो भी शॉपिंग की है, अब तक की सबसे अच्छी शॉपिंग मेरी अमेजोन की रही है, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अमेजोन से मैंने तीन चीज़ें ऑर्डर की हैं, दो है साड़ी और एक है करवा चौथ के लिए सेट। तो ये है, तो ये है करवा चौथ के लिए जो थाली या सेट आता है, मैंने वो ऑर्डर किया है। इसमें एक लोटा, इसमें एक माइनस पॉइंट है, एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थोड़ी सी, ये ऐसे करके निकल रही है, जो हॉट ग्लू है ये अच्छे से इन्होंने इससे हटाया नहीं, जो कि निकल रहा है। चलो कोई नहीं, बट ठीक है। तो एक ये है और दूसरी है ये छलनी, हाँ ये है, तो कुछ इस तरह से इस पे डिजाइन बनी हुई है और नीचे यहाँ पे ये लटकन है जो कि थोड़ी सी मुड़ गई है। हाँ, तो ये ऐसी है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और इसकी जो रियल इमेज है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी जिससे आप देख लें। फिलहाल मुझे ये चीज बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा स्टाइल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। लास्ट टाइम मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मैंने लेट कर दिया था ऑर्डर करने में, तो वो मुझे जो रिसीव हो रहा था वो करवा चौथ के बाद रिसीव हो रहा था, इसलिए मैंने उसे ऑर्डर कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है ये थाली, ये वो होता है ना मलमल का कपड़ा होता है, कुछ वैसे ही है साटन जैसा, और इस पे ये वर्क किया हुआ है। फिलहाल जैसी आपको पिक्चर में दिख रही है रियल में भी वैसी ही है, बहुत अच्छी लग रही है और पीछे से कुछ नहीं है, आगे से ही सब कुछ है। तो ये मैंने करवा चौथ सेट थाली सेट ऑर्डर किया, जिसमें मुझे तीन ही चीजें रिसीव हुई हैं और जो इसमें दिया होता है वो नहीं था, तो फिलहाल मैंने दिया खुद सजाया है, डेकोरेट किया हुआ है। तो ये था मेरा पहला आइटम। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम की, जो कि है साड़ी। इस पन्नी पे मत जाइएगा क्योंकि ये पॉलिथीन मैंने खुद ने इंसर्ट की है इसमें, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग थी वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। एक क्लियर प्लास्टिक पैकेजिंग में आई थी साड़ी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो पैकेजिंग छोड़िए, बात कर लेते हैं साड़ी की। इसकी जो रियल इमेज है मैं वो भी इंसर्ट कर दूंगी। तो ये जो आप वर्क देख रही हैं ये थ्रेड वर्क है, जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा है रियल में वैसा ही है। और ये साड़ी पिक्चर में थोड़ी सी डार्क है बट रियल में लाइट है, जो कलर अभी आपको दिख रहा है, तो रियल में थोड़ी सी लाइट है, मुझे इसीलिए थोड़ी सी इससे प्रॉब्लम हुई, बाकी साड़ी में कोई कमी नहीं है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, जो भी प्राइस होंगे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मुझे उसका भी प्राइस अभी याद नहीं आ रहा है, थाली सेट का भी। तो जो भी जिनके जो भी प्राइस होंगे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, तो वहां से चेक जरूर कर लीजिएगा। इसका जो ब्लाउज है वो यही है ब्लू कलर में, इसके साथ कोई कैटलॉग नहीं है। और ये है इसका पल्लू, साइड में बॉर्डर है। साड़ी बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट, और पूरी साड़ी में आपको नीचे ऐसा वर्क मिल जाएगा, ये थ्रेड वर्क है। और ये जो कपड़ा है वो है पेपर सिल्क, फिलहाल बहुत लाइट वेट है जिसकी वजह से मुझे ये काफी अच्छी लगी। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा सिकुड़ती है, तो मुझे यही चीज थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है, बाकी देखते हैं।
तो ये थी पहली साड़ी, ये मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है जो बहुत पसंद है, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी और फिलहाल मैं उसे रख भी रही हूँ और उसपे। और अब है नेक्स्ट साड़ी और लास्ट आइटम, तो ये है नेक्स्ट साड़ी। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, जिस आउटर पैकेजिंग में आई थी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। वैसे इसका रियल प्राइस है 2999 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 3000, लेकिन ये मुझे 800 समथिंग में या उससे कम प्राइस में मिली थी। तो ये है इसका कैटलॉग, इसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। फिलहाल एग्जैक्ट सेम वैसी है जैसी पिक्चर में है, और क्योंकि मैंने इसे ओपन कर लिया था। तो ये है पूरी साड़ी और इस पे ये है इसका बॉर्डर, ये देखिए पूरी साड़ी में जितना भी बॉर्डर है सभी थ्रेड वर्क में है। और ये है इसका पल्लू जिसपे डॉट्स बूंदे छोटी छोटी हैं, पूरा ब्लू कलर में पल्लू है। और जो स्कर्ट आती है माने कि जहां हम प्लेट बनाते हैं साड़ी में, वो येलो है। ये कैमरे पे ये आपको लाइट दिख रही है, बट एक्चुअल में ये कौन सा येलो है पता नहीं कौन सा येलो है, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छी लग रही है। और नीचे प्लेट में आपको इस तरह की डिजाइन मिलती है, छोटे छोटे मिरर भी हैं। और ये देखिए पूरी साड़ी में नीचे आपको इस तरह का डिजाइन पैटर्न मिलता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और इस साड़ी का जो फैब्रिक है माने जो कपड़ा है वो है जॉर्जेट, सिफोन जॉर्जेट जो होता है वही है। फिलहाल बहुत अच्छी लग रही है। और अगर मैं इस साड़ी की बात करूं तो मुझे ये साड़ी उस साड़ी से ज्यादा अच्छी लग रही है। फिलहाल पहनने पे देखते हैं कि कैसी लगती है, बट इस बार की जो मैंने अमेजोन से शॉपिंग की है मुझे ये शॉपिंग बहुत अच्छी लगी है। फिलहाल करवा चौथ का तो टाइम निकल गया है, लेकिन अगर आप में से किसी को ऑनलाइन साड़ी बाय करनी हो या दिवाली के लिए बाय करनी हो या ऐसे ही बाय करनी हो, अगर आप इन दोनों में से किसी भी साड़ी को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाय कर सकते हैं। फिलहाल इन तीनों प्रोडक्ट की मैं बात कर दूं तो जो पिक्चर में दिख रहा था एग्जैक्ट सेम वही है, सिर्फ जो पिंक वाली साड़ी है उसका कलर थोड़ा सा लाइट है, पिक्चर में थोड़ा सा डार्क दिख रहा था बट रियल में थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा लाइट है माने कि 19-20 का फर्क है, बाकी बहुत अच्छी है। तो ये था मेरा आज का अमेजोन हॉल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, माने साड़ी कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे येलो साड़ी ज्यादा अच्छी लगी बट आपको इसमें से कौन सी साड़ी ज्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।